हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल आटा और हरे मूंग का चटपटा सा नाश्ता। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि सभी कोई शौक से खाएंगे और बनाना भी काफ़ी इजी है। तो फिर चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस नाश्ते को हरे मूंग से बनाएंगे। उसके लिए आधा कप मूंग को रात भर भिगो के छोड़ देना है, या फिर 3 से 4 घंटा के लिए मूंग को आप भिगो के छोड़ सकते हैं। आसानी से मूंग फूल जाता है। अब इस मूंग को उबालना है, उसके लिए एक कुकर में सारे मूंग को डाल देंगे। अब इस मूंग में डालेंगे 3 से 4 कली लहसुन का, साथ में डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, आधा चम्मच कच्चा जीरा, 1/4 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी काफ़ी कम डालना है, इतना पानी डालना है कि मूंग अच्छी तरह से सिर्फ डूब जाए बस। अब इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो मूंग गीला हो जाएगा। अब ढक्कन लगा के 2 सीटी तक उबाल लेंगे। 2 सीटी हो गया है, मूंग उबल गया है। अब ढक्कन खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं मूंग पूरा एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है। अब इस मूंग को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इस मूंग को स्पून से ही मैश कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, एकदम सॉफ्ट रहता है, तो बस चम्मच से ही इस तरह से मैश हो जाता है। अब पूरे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब ये पूरा अच्छे से चिकना होकर मैश हो गया। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और 1 हरी मिर्ची डालेंगे। तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मूंग का मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और टेस्टी के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है। अक्सर हम लोग किसी भी स्टफिंग में आलू का मसाला बनाते हैं, लेकिन आज मैं मूंग का मसाला बनाई हूँ। आप देखिएगा, एक बार बना के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब ये मसाला बन के रेडी हो गया, अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब लेंगे 1 कढ़ाई, उस कढ़ाई में 1 कप पानी डालेंगे। अब इसी पानी में डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक और नमक डाल के मिक्स कर देंगे कि पानी में अच्छे से नमक घुल जाए। अब लेना है 1 कप चावल का आटा, और चावल का आटा इस गर्म पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हमें चावल आटा को पकाना है। अभी चावल आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ गया है। बढ़ने के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा इसका कुछ भी आप बनाएंगे एकदम सॉफ्ट बन के रेडी होगा। अभी चावल का आटा अच्छी तरह से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ऑफ करके ढक के 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे। अब 5 से 7 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं चावल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, भाप से हल्का हल्का सॉफ्ट हो जाता है। अब इस चावल आटे को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब अच्छी तरह से आटा को हाथ से मसल मसल के मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से इस आटे को आप मसलेंगे ना, तो उतना ज़्यादा ये आटा अच्छा तैयार होता है। अब ये आटा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इस आटे से एक मीडियम साइज़ का लोई बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी लोई नहीं रखना है और बहुत छोटा भी नहीं, और हाथ से इस तरह से चिकना कर लेंगे लोई को। बस अभी लोई बनके रेडी हो गया। अब इस लोई में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं या फिर चावल का। आटा लगाने से लोई बेलन में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और इस तरह से मीडियम साइज़ का हमें बेल लेना है। बस इतना ही बड़ा बेलना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है ना बहुत ज़्यादा मोटा करना है। अब एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से चारों साइड इस तरह से कट कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, ये इसको फिर से लोई बना के बेल लेंगे। बस इस तरह से रेक्टेंगल के शेप में हमें बनाना है। अब बन के ये रेडी हो गया। अब जो मूंग दाल का स्टफिंग है, उस स्टफिंग को चम्मच से 1 चम्मच लेंगे और बीच में इस तरह से रख देंगे और अच्छी तरह से चिकना कर देंगे। अब एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे, दोनों साइड का पहले कॉर्नर लेंगे और कॉर्नर को अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, फिर इधर का दोनों साइड कॉर्नर को एक दूसरे पे रख के फिर से प्रेस कर देंगे। चावल आटा रहने के कारण आसानी से चिपक जाता है। अब चारों कॉर्नर को इस तरह से हाथ से शेप दे देंगे। एकदम सुंदर डिज़ाइन बन के ये रेडी हो गया। अब इसी तरह से हम बाकी का भी बना के रेडी कर लेंगे। अब सारे बन के रेडी हो गए हैं, एकदम सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले। आज हम इसे भाप में पकाएंगे। उसके लिए एक पैन में पानी डालेंगे और पानी में स्टैंड डाल के ये जाली वाली प्लेट रख देंगे। आपके पास जो भी जाली वाली प्लेट है वो ले सकते हैं, और इस तरह से एक एक पीस को उसके ऊपर रख देंगे। अब इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाता है।
पाँच से सात मिनट हो गया, आप कवर हटा के चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से स्टीम में पक चुका है। अब इसे निकाल के ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद आप इसी तरह से भी खा सकते हैं, या फिर मैं इसे एकदम और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें तड़का डालूंगी। अब इसमें छौंक डालने के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इस तेल में आधा चम्मच सरसों, साथ में ही आधा चम्मच जीरा, 1 कटी हुई हरी मिर्ची, साथ में ही 1 चम्मच किचन किंग मसाला, यदि आपके पास किचन किंग नहीं है तो पाव भाजी डाल सकते हैं, साथ में ही आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मसाला डालने से ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस मसाला को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अभी मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हमने जो स्टीम दे के रखा है इस नाश्ते को, अब इसे डाल देंगे एक एक करके। अब इसे पलट पलट के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि पूरा मसाला इसमें कोट हो जाए। अब ये मसाला पूरी अच्छी तरह से कोट हो गया। आप देख सकते हैं हमने 1 ही चम्मच तेल डाला है, लेकिन पूरा तेल तेल दिख रहा है, तो इसमें तेल भी काफ़ी कम लगता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब ये चटपटा सा नाश्ता बनके रेडी हो गया। इस नाश्ते के साथ आप चाय, चटनी, अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना भी काफ़ी ईजी है, तो आप आसानी से मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरह से पूरा स्टफिंग अंदर तक फैला हुआ है। अब आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से स्टफिंग चारों साइड फैला हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।